सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों घर में अगर वास्तु दोष हो तो परिवार के सदस्यों को विभिन्न प्रकार के परेशानियों का सामना जीवन भर करना पड़ता है। किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिल पाती। कई बार तो काम में लगे रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, काचू मेहनत करते हैं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। तो वास्तु दोष को मिटाना बहुत जरूरी है। अगर आपका पुराना घर है तो उसे आप तोड़फोड़ नहीं कर सकते, उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं और सब कुछ एक खास अंदाज में रहता है, फिर आप उसको तोड़ के वो वाली बात नहीं आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना तोड़फोड़ किए किस प्रकार से अपने घर के वास्तु दोषों को दूर किया जाए। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें बताए गए उपाय को करें, आपके यहाँ जो भी वास्तु दोष होंगे वो सभी दूर हो जाएंगे। पहला मित्रों बता चाहूंगा, हर किसी के घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी का पौधा घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही शाम में तुलसी के नीचे गाय के घी का दीपक जलाएं और भगवान की आरती करें, इससे देवी देवताओं की कृपा बनती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि शाम में तुलसी के नीचे निश्चित तौर पर दिया जलाना है और दिन में तुलसी में जल चढ़ाना है। ये दोनों काम करने से घर के सभी प्रकार के वास्तु दोषों से हमें मुक्ति मिलती है। तुलसी जिस घर में रहती है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता है, वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है। तुलसी में जब आप जल चढ़ा रहे होते हैं उस समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 108 बार करना है और वो भी तुलसी की माला से करनी है। तो तुलसी की माला अगर आपके पास नहीं है तो ये तुलसी की माला किसी भी नजदीक के आपके पूजा घर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है वहाँ पे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप सस्ते में आसानी से तुलसी की माला खरीद सकते हैं। और इस मंत्र को भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देता हूँ। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार तुलसी जी के सामने बैठ के करना है। तीसरा उपाय मित्रों बता चाहूंगा, घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर की तरफ से गणेश जी की दो मूर्तियां लगा दें। इन मूर्तियों को इस प्रकार लगाएं कि दोनों गणेश जी का पीठ एक दूसरे से चिपका रहे, आपको गणेश जी का पीठ ना दिखे। गणेश जी के पीठ का दर्शन होने से घर में दरिद्री आती है, तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि दोनों गणेश जी को इस प्रकार से रखें कि दोनों का पीठ से पीठ मिल जाए, ताकि आपको पीठ ना दिखे, दोनों तरफ से आपको गणेश जी का चेहरा ही दिखे। इससे नकारात्मक एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और घर में हमेशा धन धान भरा रहता है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो गणेश जी पर आपकी नजर पड़ती है, जिससे आपके कार्य सफल रहते हैं। चौथा उपाय मित्रों बताना चाहूंगा, घर में कभी भी किसी भी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या फोटो नहीं रखें। गणेश जी की 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या में आप फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन किसी अन्य देवता की एक से ज्यादा कोशिश करें कि फोटो या मूर्ति घर में ना रहे। पांचवा उपाय मित्रों बताना चाहूंगा, घर में कभी भी कबाड़ को इकट्ठा न होने दें। जितने भी कबाड़ आपके घर में हों उन सबको जल्द से जल्द हटा दें। कचरा कबाड़ वगैरह नहीं रहना चाहिए घर में, इससे वास्तु दोष तो लगता ही लगता है। निगेटिव एनर्जी का घर में संचार होता है, जिससे आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी भी प्रकार का कबाड़ आपके घर में रहने ना पाए, जैसे ही इकट्ठा हो उसे हटा के फेंक दें, बेच दें, जो भी करना है उसे लेकिन घर से निकाल दें। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको 5 उपाय बताए। ये 5 उपाय आप करते हैं तो आपके घर में वास्तु दोष भटक भी नहीं पाएगा, आपका जीवन सुखमय और आरामदायक रहेगा। इस वीडियो के संबंध में आपको अगर और भी कुछ जानना है तो निसंकोच हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, साथ ही इसी तरह की अन्य वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।